दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं और इंटरव्यू में जाकर अटक जाते हैं या एग्जामिनेशन हॉल में जाकर वह प्रश्न का उत्तर तो जानते हैं लेकिन परीक्षा हॉल में जाकर गलत कर देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे छात्रों के लिए क्या महा उपाय किया जाए। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, होलिका दहन के दिन, ध्यान दीजिएगा, होली खेलने वाले दिन की बात नहीं कर रहा हूं, होलिका दहन के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, लाल गुलाब का माला हनुमान जी को अर्पित करें, हनुमान जी को पहनाएं। फूलों की संख्या, लाल गुलाब की संख्या 9 के गुणांक में होना चाहिए, 9 हो, 18 हो, 27 हो, 36 हो, 108, 9 के गुणांक में होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है, हम प्रश्न का उत्तर तो जानते हैं लेकिन हम एग्जामिनेशन हॉल में जाकर उसे भूल जाते हैं या हम गलत ऑप्शन में जाकर टिक मार्क लगा के आ जाते हैं, ऐसे छात्रों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रयोग मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूं। देखिए, सबसे पहले आपको शिव मंदिर जाना है होलिका दहन के दिन, होलिका दहन के दिन शिव मंदिर में सबसे पहले शिव जी को आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है, उसके बाद कच्चा तिल अर्पित करना है, उसके बाद काला तिल अर्पित करना है। काला तिल अर्पित करने के बाद पुनः शंकर जी को, शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराना है। स्नान कराने उपरांत पुनः उनके ऊपर सफेद तिल अर्पित करना है। सफेद तिल अर्पित करने उपरांत पुनः उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराना है। उसके बाद कच्चा दूध, ऐसा दूध जो गर्म किया हुआ ना हो, कच्चे दूध से शिवलिंग को आप स्नान कराइए। स्नान कराने उपरांत पुनः उन्हें शुद्ध जल से स्नान, यह एक काम आपको पूर्णिमा के दिन अर्थात होलिका दहन के दिन करना है। मैं एक बार जल्दी जल्दी फिर से रिपीट करता हूं, नंबर एक शुद्ध जल से स्नान, फिर काला तिल, फिर शुद्ध जल, सफेद तिल, फिर शुद्ध जल, कच्चा दूध, फिर शुद्ध जल, ठीक है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम आ जाते हैं तीसरे उपाय में, सफेद रंग का मिठाई आप उस दिन लोगों को दान करना है, सफेद रंग का मिठाई। चौथा ऑप्शन, आपको क्या करना है पूर्णिमा के दिन, चना दाल, चना का जो दाल होता है चना दाल, और उसमें गुड़ मिला के गौवंश को आपको खिलाना है। चना दाल और गुड़, यह आपको गौवंश को खिलाना है पूर्णिमा के दिन, ठीक था। यह था हमारा चौथा उपाय। अब हम आ जाते हैं हमारे पांचवें उपाय में, होलिका दहन के अगले दिन अर्थात जिस दिन हम रंगों के साथ खेलते हैं, आपको क्या करना है, होलिका दहन के स्थल में जाना है, वहां विष्णु भगवान से परमिशन लेके, होलिका मां से अनुमति लेके, आपको थोड़ी सी राख एक कटोरी में लेकर आनी है, और प्रतिदिन जब आप अपने इंस्टीट्यूट जाते हो जहां कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो या आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उसे तिलक के रूप में, उस राख को तिलक के रूप में आपको लगाकर जाना, इससे आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे, आप हर तरह के परीक्षाओं में सफल होते जाएंगे, इंटरव्यू में जो जहां पर आप असफल होकर वापस आते हैं वहां से आप सफलता के साथ वापस आएंगे और आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देंगे, अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।